नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। स्वागत है आपका आरबीएम न्यूज इंडिया में। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 28 हुई। बता दें कि 15 जनवरी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यायाधीशों के नियुक्ति पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद इन सभी जजों ने अपना कार्यभार संभाला। तमिलनाडु में जारी घमासान के बीच पनीर सेल्वम खेमे में अन्ना द्रमुक महासचिव वीके शशिकला और उनके दो संबंधियों को पार्टी के आदर्शों के खिलाफ जाने को लेकर पार्टी से निकाला। राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी ने पीएम को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनसे ज्यादा अच्छे प्रत्याशी अखिलेश यादव हैं। साथ ही कहा कि देश की जनता अब दुष्ट लोगों को सत्ता में नहीं आने देगी। फेसबुक के को-फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने शेयर किए लंबे फेसबुक पोस्ट में पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद नेता जनता से कैसे जुड़े रह सकते हैं, ये चीज पीएम मोदी से सीखनी चाहिए। एआईएडीएमके के चेयरमैन पद से हटाए गए ई मधुसूदन ने कहा कि शशिकला ने दिवंगत जयललिता से वादा किया था कि वो राजनीति में नहीं आएंगी और सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि शशिकला ने राजनीति में आकर दिवंगत जयललिता का अपमान किया है। पीएम हाउस में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि सुरक्षा कर्मियों के मनोबल को ताक पर रखकर किसी तरह की राजनीति ना करें। बता दें कि ये बात उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस आरोप पर कही जिसमें कहा गया था कि सेना प्रमुख को गुंडागर्दी भरी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूपी चुनाव में सपा को लगा एक और बड़ा झटका। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप और यौन उत्पीड़न में एफआईआर दर्ज करने के लिए दिए आदेश। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर यूपी सरकार से 8 हफ्तों के भीतर जवाब भी मांगा। कन्नौज से सपा सांसद डिंपल यादव औरिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि आपके अखिलेश भैया के पास पार्टी की चाबी और भाभी दोनों हैं। यूपी के बाराबंकी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि मैं चाहता हूं ऐसा दिन आए कि ओबामा साहब सुबह जाकर जब दांत मांजे और पेपर मिंट का पेस्ट यूज करे तो वो पेस्ट मेड इन बाराबंकी हो। दिल्ली में डीटीसी बस ड्राइवर की मनमानी। टैगोर स्टैंड की सवारी को जनकपुरी तक नहीं उतरने दिया, स्टैंड पर नहीं रोकी गई बस। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए बने आश्रय स्थल में पिछले 2 महीने में हुई 11 मरीजों की मौत की वजहों की जानकारी देने को कहा। साथ ही अदालत ने आप सरकार से पूछा कि उन्होंने संबंध में कौन से कदम उठाए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि नोटबंदी के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि में सुधार आएगा, हालांकि नई मुद्रा को बाजार में डालने का काम तीव्र गति से चल रहा है। पाकिस्तान के सूफी दरगाह पर आईएसआई के आत्मघाती हमलावर के खुद को उड़ा लेने से हुए विस्फोट के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। बता दें कि इस आत्मघाती हमले में 100 लोगों की हुई थी मौत। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे में ये खुलासा किया कि उनके 24 साल के क्रिकेट करियर में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन अब तक के सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं। रिश्वत के एक मामले में विशेष अदालत ने टीवी अभिनेता अनुज सक्सेना को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। बता दें कि इस मामले में सह आरोपी और वरिष्ठ नौकरशाह बीके बंसल और उनके परिवार ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी। बॉलीवुड एक्टर डेनी जोंगपा पर 29,56,000 रुपए का लगा जुर्माना। बता दें कि महाराष्ट्र आरटीओ ने रोड टैक्स का भुगतान नहीं करने को लेकर डेनी पर जुर्माना लगाया है। फिलहाल हमारे साथ बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आरबीएम न्यूज इंडिया। नमस्कार।